नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संजय कुमार संथालिया, जो कि बिहार की जाने माने दांतों से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगर देखिए कि बहुत बार लोग शिकायत करते हैं, दांत एक बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है, अगर ठंडा गर्म कुछ भी खाते हैं तो उनकी शिकायत होती है कि झंझनाहट होती है, या फिर कुछ खट्टा खा लिया, या फिर कुछ ऐसी चीजें खा ली जो दांतों में झंझनाहट पैदा करती है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आप ये जानें कि आपके दांतों में यदि ठंडापन लग रहा है या गर्म लग रहा है, तो आपके दांतों का जो ऊपर का परत है, जिसे हम लोग इनामिल कहते हैं, उसका क्षरण हो रहा है, उसका इनामिल जो है आपका, उसका रिसीजन हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को उसका काउज जानना चाहिए कि क्यों क्षरण हो रहा है। तो इसका कॉमनेस्ट रीजन है, सबसे सामान्यतः जो इसका रीजन है, वो है कि हम लोग ब्रश जो है, एक ही ब्रश को 6-6 महीने साल सर भर यूज़ करते हैं, उसके वजह से उस दांत का ब्रश का जो ब्रिसल है वो कड़ा हो जाता है, और हम तेज़ी से यदि उसको दांतों पे यदि उसको ब्रश करेंगे तो धीरे धीरे दांतों में दरार पैदा होनी शुरू हो जाती है, क्षरण शुरू हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इनामिल हट जाता है, इनामिल का जो परत है वो हट जाता है, उसके नीचे डेंटिन का परत होता है, उसके वो जैसे ही आया दांतों में ठंडा गर्म लगना चालू हो जाता है। दूसरा कारण है, कई बार दांतों में कीड़ा लग जाता है, जिसको हम लोग कैविटी कहते हैं, तो उसके वजह से भी दांतों में कनकनाहट शुरू हो जाती है। पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि ठंडा गर्म लग रहा है सर हमको, तो हम लोग एग्जामिन करते हैं कि क्या वजह है, तो कई बार पता चलता है कि दांत घिस रहे हैं या फिर दांतों में कीड़ा लग रहा है। तो दांतों में कीड़ा लगने का कारण जो है, या तो आप बहुत स्वीट इंटेक जो है, मीठा कुछ भी खाते हैं, आप कुछ ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो सबसे पहले यदि मीठा किसी भी रूप में आप खाते हो तो उसके बाद आप कुल्ला जरूर कर लें। बहुत व्यक्ति रात में सोने के पहले दूध पी के सोते हैं चीनी के साथ, तो खासकर वैसे व्यक्तियों या महिलाओं को मैं सुझाव देना चाहूँगा कि दूध आप जरूर पिए, अच्छी चीज़ है सेहत के लिए, लेकिन उसके बाद सोने के पहले कुल्ला करके जरूर सोएं, सो दैट कि उसका जो मिठास है जो दांतों में उसके वो हैं जिसके वजह से उस पर कीटाणु पनपेंगे, उसकी संभावना कम हो जाएगी, तो दांत में कीड़ा लगने की संभावना भी कम हो जाएगी। दांत में कीड़ा किस वजह से लगता है, इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, लेकिन इसी वजह से लगता है ये कहना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि इन वजहों से दांतों में कीड़ा लगता होगा, तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन है, एक तो मीठा चीज़ से आप दूर रहें, दूर रह सकते हो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन बहुत पसंद है तो आप खाएं, लेकिन उसके बाद कुल्ला जरूर करें। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया ब्रश को लेकर जो बातें कही हैं, उसमें ब्रश लोगों को कितने दिनों के अंदर चेंज कर देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो ब्रश लोग किस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं? ब्रश अमूमन 2-3 महीने में चेंज कर लेना चाहिए। आयु वर्ग आपका क्या है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप 18-20 साल से 30 साल के अंदर के हैं तो आप हार्ड ब्रश यूज़ कर सकते हैं, और 30 से ऊपर और 50 तक हैं आप तो मीडियम ब्रश यूज़ कर सकते हैं, और 50 से ऊपर है तो आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ कीजिए। कुछ जैसे जैसे उसकी क्वालिटी चेंज होती जाएगी, उसका ब्रिसल जो है वो सॉफ्ट होता जाएगा, और लोग चूंकि ये पूरा शरीर जो है उसमें दांत का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन अमूमन हर एक लोग दांत को ही निग्लेक्ट करते हैं, तो आप दांत का ब्रिसल जो है वो बहुत ज़रूरी है कि उसको आप देखें, जब उसमें टेढ़ापन आ जाए या कड़ापन आ जाए तो उसको चेंज कर दें। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कैविटी के बारे में भी जिक्र किया, तो ऐसे लोग कैसे समझ सकते हैं कि उन्हें कैविटी हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है, अब डॉक्टर से मिलना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए? जब पेशेंट्स के दांतों में कुछ फंसने लगे, खाने के बाद कुछ फंसने लगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि मेरे दांतों में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ये तो डॉक्टर ही देखने के बाद डायग्नोस करेंगे कि इसमें कीड़ा लगा है या और कोई दूसरा रीजन है। तो जब कुछ भी चीज़ खाने के बाद फंसे दांतों में या ठंडापन लगना शुरू हो तो डेंटल सर्जन से मिलें, और कीड़ा है तो कीड़ा लगा है तो उसका भी बहुत उपाय है। यदि वो शुरुआती स्टेज में वो कीड़ा लगा हुआ तो उसको हम लोग जहाँ कीड़ा लगा है उस जगह को हम लोग फिलिंग कर देते हैं, कीड़ा को निकाल कर फिर वहाँ फिलिंग कर देते हैं। फिलिंग भी कई तरह की फिलिंग है, अब तो जैसे जैसे
ज़माना चेंज हो रहा है तो बहुत सारी नई चीज़ें भी आ गई हैं, और यदि कीड़ा बहुत ज़्यादा लग गया है दांतों में, उसके वजह से दर्द हो रहा है, तो कई बार क्या होता है कि कीड़ा लगने के बाद वो धीरे धीरे वो अंदर की तरफ इनामेल से वो डेंटिन में जाता है, फिर पल्प में जाता है। पल्प वो जगह होती है जहाँ से सेंसिटिविटी दांतों में शुरू होती है, उसके वजह से सेंसेशन। तो जैसे ही वो पल्प को, जिसे हम आमतौर के भाषा में नस कहते हैं, दर्द शुरू हो जाता है, तो तुरंत आप अपने डेंटल सर्जन से देखें। और ऐसी स्थिति है तो उसका भी उपाय है, अब दांत निकालना ही कोई वो चीज़ नहीं रह गई है। दांत को बचाने के बहुत से उपाय हैं, उसमें एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी है जिसे हम RCT कहते हैं। अब उसमें भी बहुत सारी एडवांसमेंट हो गया है। पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के क्लिनिक में कई बार चक्कर लगाना होता था, अब समय के साथ साथ चीज़ें बदलती जा रही हैं, तो अब सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी जो है वो कॉमन हो गई है। अच्छे अच्छे क्लिनिक्स में ये चीज़ हो रही है, तो पेशेंट के लिए वो कन्वीनियंट है कि आप जाइए रूट कैनाल कराइए और आइए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि लोग जो झंझनाहट की समस्या से जूझ रहे होते हैं या फिर कैविटी की समस्या से जूझ रहे होते हैं, उसके बारे में जो बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर संजय कुमार संथालिया को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ झंझनाहट के बारे में, कैविटी के बारे में साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।